हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक एवरीडे मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। अगर आप वर्किंग वुमन हो, एवरीडे आपको ऑफिस जाना पड़ रहा है, स्कूल जाना पड़ रहा है, स्टूडेंट नहीं एज अ टीचर या फिर स्कूल स्टाफ की तरह, मतलब आप काम की वजह से रोज घर से निकल रहे हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। बहुत ही सिंपल तरीके से ये मेकअप लुक आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही इजी है, बट देखने में लगे कि आप बिल्कुल प्रेजेंटेबल हो। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का एवरीडे मेकअप लुक, यानी कि धूप में निकलना। और इसलिए सनस्क्रीन तो बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ बायोटिक का बायो सैंडलवुड सनस्क्रीन। बहुत ही अच्छा एक सनस्क्रीन है। सनस्क्रीन लगाने के 2-3 मिनट आप वेट कर लीजिए, उसके बाद ये बीबी क्रीम या सीसी क्रीम, कोई भी क्रीम आप लगा सकते हैं, या फिर आप वो स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप सनस्क्रीन से ही कंफर्टेबल हो तो सिर्फ सनस्क्रीन लगाकर ही थोड़ा सा पाउडर पफ कर लीजिए, उसके बाद आप निकल सकते हैं। मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ एक सीसी क्रीम, ये लैक्मी 925 का सीसी क्रीम है। आप सीसी क्रीम या बीबी क्रीम के जगह फाउंडेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। शादी से पहले मैं जब ऑफिस जाती थी, मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता था कि मैं अच्छी तरह से खुद को प्रिपेयर करके थोड़ा सा सर्च के ऑफिस जाऊं, क्योंकि ऑफिस जाने का आधा घंटा पहले मैं नींद से उठती थी, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था कि मैं अच्छी तरह से क्रीम को अप्लाई कर सकूं, आईब्रो कर सकूं, थोड़ा लाइनर लगा सकूं, काजल लगा सकूं, ये सब मुझसे नहीं होता था उस टाइम में। तो मैं बैग में भर के लेकर चली जाती थी ऑफिस में, सिर्फ सनस्क्रीन लगा के ही चली जाती थी ऑफिस में। जाने के बाद 5-5 मिनट तो लगता है, 5 मिनट भी शायद नहीं लगता है, तो जल्दी जल्दी से मैं रेडी हो जाती थी। थोड़ा सा कंसीलर अप्लाई करूंगी मेरे अंडर आईज में और थोड़ा सा इधर उधर अप्लाई कर लूंगी, बट आप स्किप कर सकते हैं इस स्टेप को, क्योंकि एवरीडे के लिए कंसीलर आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। मैं कभी नहीं लगाती थी, अभी वीडियो बना रही हूँ तो इसलिए। मैंने लिया है हाथ से ही, मैं ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि ऑफिस जाने के टाइम इतना टाइम नहीं होता है। मैं यहाँ पे बकबक करके वीडियो बना रही हूँ इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट अगर आप नॉर्मली एवरीडे करोगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। तो मैं यहाँ पे एक पाउडर यूज कर रही हूँ। मैं ये पाउडर ऑलवेज यूज करती हूँ, ये कैशेट का अम्ब्रेला पाउडर है, मुझे बहुत पसंद है, बहुत सालों से मैं यूज कर रही हूँ उसको। नेक्स्ट मैं आईब्रो को फिल कर लूंगी। आप आईब्रो के लिए ऐसे कोई किट भी यूज कर सकते हैं या फिर कोई आईब्रो पेंसिल भी यूज कर सकते हैं। ये मेकअप लुक बहुत ही इजी सा है, बहुत ही न्यूट्रल है, तो आप इसके साथ सलवार सूट, कुर्ती, लेगिंग्स, जीन्स, टॉप, इवन साड़ी भी आप कैरी कर सकते हैं, मतलब एकदम परफेक्ट लगेगा इस मेकअप लुक के साथ। तो आईब्रो डन। नेक्स्ट मैं यूज करूंगी मेबलिन का ये जेल आईलाइनर, इसके साथ ये ब्रश आता है, तो मैं इसको एज ए काजल, एज ए आईलाइनर, आई शेडो, बहुत ही तरीके से मैं इसको यूज करती हूँ। लगाने के बाद थोड़ा सा स्मज कर दीजिएगा। आप आईलाइनर को ऐसे ही रख दीजिए या फिर कोई पेंसिल ब्रश की मदद से थोड़ा सा स्मज भी कर सकते हैं, तो मैं इसको ही एज ए काजल भी यूज करूंगी। ये मैं एक पेंसिल ब्रश ले रही हूं और थोड़ा सा स्मच कर दूंगी।
जैसे मेकअप मैं करती थी बिल्कुल आपको वैसे ही दिखा रही हूँ। और अगर इसको थोड़ा सा कम या ज्यादा आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। आई इसको थोड़ा सा एनहांस करने के लिए आप थोड़ा सा आई शेडो भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ से जो ब्राउन कलर है इसको मैं ऐसे लेकर पूरा निकाल के सिर्फ ऊपर थोड़ा सा लगा लूंगी। लिपस्टिक के लिए मेरे पास बहुत सारा ऑप्शन है। आप बुलेट लिपस्टिक ट्राई कर सकते हैं या फिर कोई लिप क्रीम ट्राई कर सकते हैं। मुझे तो लगता है बेस्ट है ये लिप क्रीम यूज करना क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट होता है, कंफर्टेबल होता है, एवरीडे के लिए बहुत अच्छा भी होता है। या फिर कोई आप लिक्विड लिपस्टिक भी ट्राई कर सकते हैं, न्यूड कलर का हो, हल्का पिंक कलर का हो, कुछ भी आप ट्राई कीजिए। मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ मिस क्लियर का ये लिप क्रीम नंबर 10। एकदम रेडी हो चुकी हूँ। आप इस लिपस्टिक की जगह कोई न्यूड लिपस्टिक या फिर रेड कलर का कोई लिपस्टिक भी लगा सकते हैं। तो अगर आपको एक्सेसरीज पसंद है तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का वाला कुछ एक्सेसरीज जैसे कि ऐसे एक स्लीक सा कोई नेक पीस लगा लीजिए, थोड़ा सा इयररिंग, छोटा छोटा इयररिंग लगा लीजिए, तो बस आप एकदम रेडी है। हाँ, रुकिए, मेरे पास एक और ऑर्नामेंट है, मेरा चश्मा है, वो लगा लेती हूँ। कैसा लगा मेरा ये आज का वीडियो? होपफुली पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को आगे भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में कोई और वीडियो लेके आप लोगों के सामने हाजिर हो जाऊंगी। टिल देन बाय।